पे देख सकते हो ऐसा कुछ वेदर है। अभी मैं जो है यहाँ पे पार्क में आ रखा हूँ, तो यहाँ से ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सामने जो है गाड़ियों की पार्किंग है, और इस साइड जो है यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे यार। तो मैं भी ठीक हूँ। वेलकम आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि आज किस वीडियो के अंदर यार हम बात करेंगे कि जो है आपका जो है क्या बोलते हैं, जैसे वीज़ा वगैरह है आपका रशिया का, तो आप जो है उसको कैसे क्या ट्रैक कर सकते हो, मतलब आप कैसे चेक कर सकते हो कहाँ तक जो हमारा स्टेटस पहुँचा है, और तो पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया कैसे, क्या स्टैम्प, सारी चीज़ें जो है मैं वो बताऊँगा। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, इन्फॉर्मेशन रहने वाली अच्छी। बाकी चलो बात करते आगे। पहले मैं आपको जो है आसपास का चेकआउट करवाता हूँ, मैं कैसे क्या जो है वो सारी चीज़ें। अभी देख सकते हो ऐसा कुछ वेदर है। अभी मैं जो है यहाँ पे पार्क में आ रखा हूँ, तो यहाँ से ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सामने जो है गाड़ियों की पार्किंग है, और इस साइड जो है यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन का कुछ एरिया है। तो सही है यार, और इस साइड ये देख सकते हो अपनी गाड़ियाँ वगैरह चल रही है यहाँ पे, और ऐसा कुछ है अभी, मतलब ग्रीनरी देखो कितनी मस्त आई है, पेड़ पे पत्ते देखो, बिल्कुल जो है वो नेक्स्ट लेवल वाले हैं यहाँ पे। करते हैं यार देखो कि कैसे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपको वीज़ा चेक करना है, यहाँ पे मैं फ़ोटो डाल दूँगा, रशिया जो है वो सर्विस सेंटर करके यहाँ पे फ़ोटो आएगी आपकी, इसको इसकी जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जो है आप वो चेकआउट कर सकते हो कि कैसे जो है वो चीज़ें रहेगी। तो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगी, तो वो देख लेना। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि कैसे क्या आपको ट्रैकिंग करना है। तो इसमें आपको आपका पासपोर्ट नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ चाहिएगी। ये दो चीज़ डालोगे तो यहाँ पे आपको जो है सारी डिटेल आपको फिलअप हो जाएगी, मतलब आपका पासपोर्ट दिखा देगा कि कहाँ तक क्या स्टेटस है। कई बार क्या होता है आप डिटेल वगैरह डालते हैं, इसके अंदर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है, इसका मतलब होता है कि आपका मतलब पासपोर्ट तो है एम्बेसी में, लेकिन अभी आगे प्रोसेस वगैरह में मतलब नहीं गया अभी, और बाकी आपको दिखाता है कि अपन क्या बोलते हैं आपका प्रोसेस ऑलरेडी जो है प्रोसेसिंग में पासपोर्ट, तो तब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तब हो जाएगा। और बाकी टाइम देखो मैं टाइम बताता हूँ आपको, जो रशिया का वीज़ा है वो अभी मतलब आपका 1 वीक और 10 डेज के अंदर अंदर जो है आपके पास आ जाएगा, तो अभी फास्ट प्रोसेसिंग भी हो रही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो आगे जो है वहाँ पे आप HIV का टेस्ट भी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, कैसे क्या है आप वो देख सकते हो, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डालता रहूँगा। तो काफ़ी अच्छा है यार ये सर्विस दे रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कई मेरे से पूछते हैं कि भाई हमारा वीज़ा यहाँ पे दिखा रखा है कि पासपोर्ट एम्बेसी में सबमिट है, कैसे क्या होगा, तो डोंट वरी, देखो आप टेंशन ना लो, जो है आ जाएगा आपका भी। और जो है सैटरडे संडे की छुट्टी होती है एम्बेसी की, मैं ये बता देता हूँ, वर्किंग डेज काउंट होते हैं, तो उसमें सैटरडे संडे आता नहीं, और कोई जैसे हॉलीडे है। अब मैं आपको बताता हूँ जो एम्बेसी है ना यहाँ पे, मतलब जो मॉस्को की एम्बेसी है अपने दिल्ली में और मुंबई में, इंडिया में ओवरऑल कहीं पर भी, तो वो क्या है वो दो हिसाब से काम करती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो उस दिन क्लोज है, अगर रशिया में पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन वो क्लोज रहेगी, तो उस हिसाब से है। तो ये बात है यार। बाकी देखो आप सभी को जो है रिस्पांस वगैरह सही मिल रहा है, अपने 4000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं, सून जो है अपने 5000 सब्सक्राइबर जो है कम्प्लीट हो जाएंगे। बाकी चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव फ्रॉम रशिया, बाय बाय।